हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ए ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडेज वी आर रीडिंग इन कंप्यूटर एलिमेंट्स क्लास फिफ्थ चैप्टर सिक्स इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल 2010। इस चैप्टर में हम एमएस एक्सेल के से इंट्रोड्यूस होंगे कि एमएस एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है और इसमें क्या क्या वर्क किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहाँ डेटा को रोज और कॉलम्स टेबलर्स फॉर्म्स में स्टोर किया जाता है। ये यूज़र्स को इनपुट में चेंज और एनालाइज करने के लिए अलाउड है। ठीक है, फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। फीचर ऑफ एमएस एक्सेल, एक्सेल के कुछ फीचर्स इसमें बताए गए हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं। जैसे कि एक्सेल में सभी को पता है कि ज़्यादातर हमारा कैलकुलेशन का वर्क होता है, रिजल्ट्स तैयार किए जाते हैं और हमारा जितना भी कैलकुलेशन का वर्क है, सम्स, जैसे कि हम सम्स करते हैं अपनी मैथ की बुक्स में, उसी तरीके से वही हमारा एक्सेल फॉर्मूलेज की अकॉर्डिंग चलता है। पूरा इसका वर्क हमारा फॉर्मूले पर होता है, बिल्कुल मैथ्स की तरह। तो इसमें एक्सेल में सारा कैलकुलेशन वर्क किया जाता है हमारा। ठीक है, फीचर ऑफ एमएस एक्सेल्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पावरफुल पैकेज है ये, और एक्सेल चार्ट्स, ग्राफ्स और पिक्चर्स बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप डेटा को बढ़ते यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। आप एक्सेल में डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि जब आप अपना डेटा टाइप कर लेते हैं तो आप उसको अपने फॉर्मेट करके उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। उसको कलर्स देकर, उसको टेबल बॉर्डर वगैरह देकर, अलाइनमेंट करके उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक वर्कबुक के रूप में, के फॉर्म में रेफ़र किया जाता है, जिसमें आप काम कर सकते हैं और अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्टार्टिंग एमएस एक्सेल 2010। एमएस एक्सेल जो है वो किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि एमएस एक्सेल एमएस की फुल फॉर्म होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज होता है, जिस पैकेज में सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एमएस पेंट, एक्सेल, एक्सिस, एमएस वर्ड वगैरह, और उन सब में हमारा एक पैकेज में एक हमारा सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल भी है। इसको स्टार्ट करने के हमारे स्टेप्स दे रखे हैं कि जब हम काम करने सिस्टम पर बैठते हैं तो हम किस तरीके से एमएस एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन, क्लिक द स्टार्ट बटन। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप टू, ऑल प्रोग्राम पर सिलेक्ट करेंगे आप, और स्टेप थ्री में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें जब ऑल प्रोग्राम्स पे आप क्लिक सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, जिस पर आप क्लिक कर देंगे। स्टेप फोर में आप माइक्रोसॉफ्ट 2010 को चूज़ कर लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए कि सबसे पहला स्टेप जब आप फॉलो करेंगे, यानी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से पिक्चर शो होंगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे स्टेप फॉलो करेंगे वैसे वैसे आपको स्क्रीन पे अपीयर होता रहेगा। फिर ऑल प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर सॉफ्टवेयर शो हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसमें से कोई एक 2010 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी विंडो यहाँ पर इस तरीके से अपीयर हो जाएगी। देखिए, इस तरीके से आपकी विंडो अपीयर हो जाएगी एक्सेल की। इस तरीके से आपको विंडो दिखेगी। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल 2010 विंडो। एमएस एक्सेल 2010 विंडो के कुछ कंपोनेंट्स, यानी कि जितने भी हमारे विंडो है, इस विंडो के जितने भी नाम वगैरह दे रखे हैं कंपोनेंट, उनके बारे में बताया जाएगा कि आखिर किसका वर्क क्या है। सबसे पहले है टाइटल बार। टाइटल बार हमारा जो ऊपर दे रखा होता है, टाइटल बार यहाँ पे यहाँ शो किया जाता है नाम, जिस एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे होते हैं करंटली, वो एप्लीकेशन का नेम हमें टाइटल बार पे शो होता है। हम एक्सेल पे कर रहे हैं तो एक्सेल होगा, और एमएस वर्ड पे कर रहे हैं तो एमएस वर्ड शो होगा। ठीक है, टाइटल बार विंडो के टॉप पर शो होता है और वर्कबुक और प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले करता है। टाइटल बार के राइट और एक बटन का यूज़ प्रोग्राम विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारा टाइटल बार है। तो ये टाइटल बार पे ये राइट साइड में थ्री बटन्स दे रखे हैं जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए दे रखे होते हैं। यानी कि हमारी ये जो विंडो शो हो रही है, आपको अपीयर हो रही है, इसे मिनिमाइज़ करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, ये क्लोज करना होगा, तो उसके लिए आप इस बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये टाइटल बार के लेफ्ट साइड शो होता है और इसमें अक्सर यूज़ किए जाने वाले कमांड होते हैं। रिबन, ये प्रोग्राम विंडो के
के टॉप पर डायरेक्ट स्टाइल बार के नीचे होता है और इसमें टैब का एक सेट होता है जिसमें फाइल, होम और व्यू, जिनमें से आप रिलेटेड ग्रुप होते हैं आप उसमें आपको वो शो होते हैं कमांड्स, ठीक है। इसके बाद फाइल टैब, इसका यूज़ नेक्स्ट या एक्सिस्टिंग वर्कशीट फाइल्स को ओपन सेव वर्कशीट और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला बार, यह रिबन के नीचे शो होता है और एक्टिव सेल स्टोर्ड डेटा या फॉर्मूला को डिस्प्ले करता है। नेम बॉक्स, यह फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड शो होता है और एक्टिव सेल या सिलेक्ट सेल, सिलेक्टेड सेल, रेंज या ऑब्जेक्ट का नाम डिस्प्ले करता है। शीट टैब्स, टैब्स वर्कबुक में एक अलग वर्कशीट का रिप्रेजेंट करता है, एक अलग वर्कशीट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटस बार यह प्रोग्राम विंडो के नीचे शो होता है और डिफरेंट मैसेज को डिस्प्ले करता है, यानी कि ये हमारा जो स्टेटस बार होता है वहाँ पे हमें आपका टाइम, कोई नोटिफिकेशन आ रही है, कैलेंडर वगैरह, वो हमारे यहाँ स्टेटस बार पे शो होता है। कॉलम लेटर्स, कॉलम वर्कशीट पर वर्टिकल चलते हैं और हर एक की आइडेंटिफाई लेटर्स, कॉलम्स, हेडर एंड के हेडर के फेस में की जाती है। रो नंबर, रो हॉरिजॉन्टली वर्क फॉर्म में शो होता है और रो हेडर के फॉर्म में नंबर के थ्रू पहचानी जाती है। स्क्रॉल बार, टू स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल वर्कबुक के नीचे शो होता है और पेज के लेफ्ट या राइट साइड ले जाने में हेल्प करता है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स थे, हमारी एमएस एक्सेल 2010 विंडो के कंपोनेंट्स, जिनको हमने अभी एक्सप्लेन करा है। और इसके वर्क, इसके हमें ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की, यानी कि स्टेटस बार पे भी कुछ ना कुछ वर्क होता है, हमारा शीट टैब्स हो, नेम बॉक्स हो, फॉर्मूला हो, फाइल टैब हो, ये सारे हमारे क्या थे, एमएस एक्सेल 2010 विंडो के कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। वर्कबुक एंड वर्कशीट, एक्सेल में वर्कशीट के कलेक्शंस को वर्कबुक कहते हैं। यह एक नोटबुक की तरह है जिसमें पेज के नंबर होते हैं। एक वर्कशीट रोज और कॉलम का एक ग्रिड होता है जिसे स्प्रेडशीट के फॉर्म में भी जाना जाता है। रोज, वर्कशीट के अंडर सेल्स हॉरिजॉन्टल का जो ग्रुप है उसे रो के नाम से जाना जाता है। कॉलम, वर्कशीट के अंदर सेल्स के वर्टिकल्स ग्रुप को कॉलम के फॉर्म में जाना जाता है। सेल्स, रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शंस को सेल्स के फॉर्म में जाना जाता है। एमएस एक्सेल में हर एक सेल का एक सेल एड्रेस होता है जो कॉलम नेम और रो नंबर के एग्जीबिशंस से बनता है। सेल पॉइंटर हाईलाइट की गई सेल बाउंड्री है जो करंट सेल को यूज में दिखाती है, इसे एक्टिव सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये वर्कबुक एंड वर्कशीट के बारे में था कि वर्कबुक जो है एक्सेल में वर्कशीट के कलेक्शंस को ही वर्कबुक कहते हैं और उसमें रो का क्या वर्क है, कॉलम का, सेल का और सेल पॉइंटर का, क्योंकि हमारा जो एक्सेल में वर्क किया जाता है वो हमारा रो और कॉलम पर किया जाता है, रोज और कॉलम पर, ठीक है। तो ये हमारे वर्कशीट एंड वर्कबुक के बारे में बताया गया है। अब ये क्विक स्कैनर है, इसको आपको मैच करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, मैचिंग है ये। एंटरिंग डेटा, डेटा एंटर करने के लिए शीट एरिया वे एरिया है जहां आप अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं, जहां पर आप अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे कि आप जब डेटा एंटर कर रहे हैं तो वो जो आपके इस तरीके से पेज खुला हुआ होता है, विंडो पे अपीयर होता है, वो आपका शीट एरिया कहलाता है, जहाँ पर आपको जो भी डेटा एंटर करना है, टाइपिंग करनी है, आप जहाँ डेटा टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसे शीट एरिया कहा जाता है। कैलकुलेटिंग द सम यूजिंग फॉर्मूला, सम का यूज़ करके हम किस तरह, सम फॉर्मूला का यूज़ करके हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो
कैलकुलेट करने के लिए डिज़ायर सेल में फॉर्मूला का यूज़ किया जा सकता है। आपको रिजल्ट बनाने के लिए सेल की रेंज में स्पेसिफाई करना और फॉर्मूले की को डिफाइन करना होता है। जैसे स्टेप देख लीजिए, फॉर्मूला वो स्टेप वन फॉर्मूला टाइप करेंगे ना, जहाँ चाहते हैं आप पहले वहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टेप टू में आप इक्वल टाइप करेंगे फॉर्मूला स्प्रेड के लिए, अगर फॉर्मूला इक्वल से पहले नहीं तो MS Excel डिस्प्ले करेगा कि आपने कैलकुलेशन के लिए डेटा का यूज़ करने के बजाय टेक्स्ट टाइप किया है। पहला सेल रेफरेंस टाइप करें जो कि B है। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन एंटर करें, प्लस और DB टाइप करें, फिर उसके बाद एंटर की प्रेस करें और रिज़ल्ट देखें। यानी कि जहाँ भी आपको फॉर्मूला ऐड करना है, जैसे कि आपने इस तरीके से यहाँ पे करा है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला ऐड जब करेंगे तो इक्वल का साइन लगाएंगे और आपको सेल एड्रेस देखना है। सेल एड्रेस यानी कि B3, कौन सी सेल में? B3 में सबसे पहले B3, और प्लस क्या करना है? प्लस करना होता है सम, यानी कहाँ तक करना है हमें? D3 तक। 3 सेल हमारा एड्रेस ये रहेगा, D हमारा ये रहेगा, तो B3 + D3, और एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सम करके अपना रिजल्ट्स तैयार कर सकते हैं सभी नंबर्स से। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब टाइप करेंगे डेटा, फॉर्मूला टाइप करेंगे, तो इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आप बहुत ईजिली अपना रिजल्ट या अपनी कैलकुलेशन इसके अंदर कर सकते हैं। और इस तरीके से ही जब आपका इस तरीके से कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे करके आपका टोटल ई वाली सेल में आ जाएगा, ठीक है। इन स्टेप्स के थ्रू आप अपना सम कर सकते हैं। अब सेविंग अ वर्कबुक, यानी कि जो वर्कबुक हमने बनाई है, हम उसे सेव कैसे करेंगे? वर्कबुक कंप्यूटर के बाद अपनी वर्कबुक सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके लिए भी स्टेप हैं, किस तरीके से स्टेप फॉलो करते हुए हम अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन द फाइल टैब, आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन टू ओपन सेव एज डायलॉग, यानी सेव ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे वहाँ सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप किसी एक लोकेशन पे जहाँ पर आपकी विषय आप सेव करना चाहते हैं, आप उस पर जाकर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पे अपने सिस्टम पर अपीयर होता रहेगा कि हाँ आपने ये स्टेप फॉलो करा, तो इसके बाद ये आया, अब इसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना है, तो आपको यहाँ ये इशू होगा। तो इस तरीके से आपको स्टेप के अकॉर्डिंग आप इसे फॉलो करेंगे। इसके बाद आप फाइल टेक्स्ट ऑप्शन बॉक्स एंटर फाइल नेम, यहाँ पे आप फाइल नेम एंटर करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ऑप्शन पे उसमें आप फाइल एंटर करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है फाइल का, ताकि आप फ्यूचर में उसे ओपन करें तो आपको याद रहे, वो फाइल नाम देंगे, और सेव बटन यहाँ पर जो होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपकी वर्कबुक वहाँ पर सेव हो जाएगी। क्लोजिंग का वर्कबुक जो है उसे क्लोज कैसे करते हैं? वर्कबुक क्लोज कर, किसी भी वर्कबुक में अपना वर्क पूरा करने के बाद आप उसे क्लोज़ कर देना चाहिए, आपको उसको क्लोज़ कर देना चाहिए। वर्कबुक क्लोज़ करने से वर्कबुक विंडो क्लोज़ हो जाएगी, MS Excel विंडो क्लोज़ नहीं होगी। यानी कि जिस वर्कबुक पे आपने काम करा है ना, तो वही वर्कबुक आपकी क्लोज़ होगी, या MS Excel की जो आपकी विंडो अपीयर हुई हुई थी वो क्लोज़ नहीं होगी। देखिए उसके स्टेप भी देख लीजिए। सबसे पहले स्टेप वन में आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, बैक स्टेज व्यू विल ओपन अपीयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप स्टेप टू में आप क्लिक ऑन द क्लोज़ बटन पर आप क्लिक कर देंगे, और क्लोज़ बटन पर आप क्लिक करने के बाद कंट्रोल बटन पर क्लिक करेंगे और वो फाइल आपकी वर्कबुक क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन MS Excel की जो आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रही थी विंडो, वो आपकी ऐसे ही ओपन रहेगी, यानी ठीक है। तो ये स्टेप्स के थ्रू हम अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं, और उसमें डेटा एंटर करके उसे सम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने ये वर्क कम्प्लीट किया। एक्सिस्टिंग फॉर्म फ्रॉम एक्सेल, इसके भी देखिए हमारे स्टेप दे रखे हैं या किस तरीके से हमें करना चाहिए। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे एक्सिस्ट करने के लिए, उसके बाद आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रेस ऑल्ट F4 आप प्रेस कर सकते हैं, और आपका कीबोर्ड से या फिर आप कीबोर्ड से भी एग्जिट हो सकते हैं। यानी कि आपकी जो कीबोर्ड है ना, उसमें आपका ऑल्ट F4 होगा, आप उसको प्रेस कर देंगे एग्जिट होने के लिए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप बाहर निकलने के लिए प्रेस ऑल्ट F4 प्रेस करके आप अपनी वर्क जो आप जिस पर आप करंटली वर्क कर रहे थे उससे एक्सेल से आप बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत ही इजी सा और छोटा सा चैप्टर था, इसमें बहुत ही इजी स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल में वर्क कर सकते हैं, कैसे हम सम कर सकते हैं और एक्सेल में हम किस तरीके से वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में भी इसमें स्टेप के अकॉर्डिंग ही बहुत ही ईजिली से वर्क बताया है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब वर्क करेंगे आप ईजिली अपने वर्क को सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा कि एक्सेल क्या है, एक्सेल में क्या वर्क किया जाता है, एक्सेल में सम कैसे किया जाता है, एक्सेल में वर्कबुक अगर हमने काम करने के लिए खोली है तो उसे क्लोज कैसे किया जाएगा, उसे सेव कैसे जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसे एग्जिस्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इन स्टेप्स को आपको याद रखना है और आपको एक बार ट्राई करके भी देखना है ताकि आप अपने आप के अंदर ईजिली वर्क कर सकें। होमवर्क देखते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले टेक द राइट करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट में आएगा बी कैलकुलेशन, सेकंड में बी थ्री, थर्ड में आएगा ए नेम बॉक्स, फोर्थ में सी और फिफ्थ में ए। ठीक है, ये टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन से। अभी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में स्प्रेडशीट, सेकंड में एक्टिव सेल, थर्ड में फॉर्मूला बार, फोर्थ में राइट अलाइन और फिफ्थ में ऑटोसम। ठीक है, ये फिलअप्स थे। अब है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट में फॉल्स, सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में ट्रू और फिफ्थ में फॉल्स। तो ये आपके टिक द राइट करेक्ट ऑप्शंस फिलिप्स और ट्रू फॉल्स थे। अब है हु एम आई। आई डिस्प्ले द डेटा स्टोर इन द एक्टिव सेल फॉर्मूला बार। आई डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल नेम बार। आई एम द एरिया वेयर यू टाइप योर टेक्स्ट शीट एरिया। आई अलाउ यू टू द न्यूमेरिकल डेटा ऑटोसम। ठीक है, ये अभी सब ये आपको अपनी बुक में ही नोट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स जो मैं बता रही हूँ वो आपको नोटबुक में नोट करना है। क्वेश्चन आंसर्स आपके 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस आपको नोटबुक में नोट करना है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चंस फीचर्स बताने हैं। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेल 2010। एम एस एक्सेल के फीचर्स हैं, फर्स्ट एक्सेल इज द मोस्ट पॉपुलर पैकेज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सेकेंड एक्सेल प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू मेक चार्ट्स ग्राफ्स एंड पिक्चर्स, थर्ड यू कैन ऑल्सो अरेंज द डेटा एदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और फोर्थ यू कैन फॉर्मेट द डेटा इन एक्सेल आई शो डेटा इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स थे एम एस एक्सेल 2010 के। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू डिफरेंट बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल फॉर्म विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, द कॉलम ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मूला बार। इट अपियर ब्लो द रिबन एंड डिस्प्ले द डेटा और फॉर्मूला स्टोर द एक्टिव सेल IAM। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एंटर और एडिट अ फॉर्मूला, अ फंक्शन और डेटा इन अ सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ऑटोसम फंक्शन। ऑटोसम फंक्शन अलाउ अस टू परफॉर्म एडिशन एवरेज एक्शंस द डेटा अपियरिंग इन कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के, ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं और जो अदर वर्क है वो आपको बुक में ही नोट करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ क्वेश्चन है अदर वर्क के साथ कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, इसमें आपको एक्सेल के बारे में बताया गया है कि एक्सेल में सारा कैलकुलेशन का वर्क होता है और किस तरीके से हम अपने डेटा एंटर करते हैं, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है, एम एस एक्सेल के फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसमें जो भी कुछ बताएगा आपको अच्छे से याद करना है, इसे समझना है और क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको नोटबुक में नोट करके यानी याद करना है। ठीक है, थैंक यू।